आजकल इंटरनेट हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं और दोस्तों से जुड़े रहते हैं। लेकिन इंटरनेट के साथ कुछ खतरे भी हैं। साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं और हमें इनसे खुद को बचाना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है खुद को और अपने डिवाइस को ऑनलाइन खतरों से बचाना। जैसे हम अपने घरों में ताला लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल जीवन में भी सुरक्षा बरतनी चाहिए। साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से हमला करते हैं। वे हमारे पैसे, पर्सनल इंफॉर्मेशन या पहचान चुरा सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इस वीडियो में हम कुछ आसान तरीके सीखेंगे जिनसे हम ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर अटैक एक तरह का डिजिटल हमला होता है जो आपके कंप्यूटर, फोन या किसी और डिवाइस पर होता है। यह आपके डेटा को चुराने, खराब करने या उस तक पहुंचने के लिए किया जाता है। एक आम तरीका है फिशिंग। इसमें आपको नकली ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं जो असली लगते हैं। इनमें ऐसे लिंक होते हैं जो आपके डिवाइस में वायरस डाल सकते हैं या आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। एक और तरीका है मैलवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। यह आपके डिवाइस को स्लो कर सकता है, आपके डेटा को चुरा सकता है या आपके डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकता है। साइबर अटैक्स आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए इनसे बचाव करना बहुत जरूरी है। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो गेस करना मुश्किल हो। अपने नाम, बर्थडे या फोन नंबर जैसे आसान पासवर्ड का यूज न करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण होता है। दो कारक प्रमाणीकरण 2FA एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है जो आपके अकाउंट्स को और भी सिक्योर बनाता है। 2FA के साथ आपके अकाउंट में लॉग इन करने के लिए आपको अपने पासवर्ड के अलावा एक और जानकारी देनी होगी। यह जानकारी आमतौर पर आपके फोन पर भेजा गया एक कोड होता है। 2FA यह कंफर्म करता है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी जाए तो भी वह आपके अकाउंट में लॉग इन न कर सके। सेक्शन 4, आउटस्मार्टिंग ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहना बहुत जरूरी है। फ्रॉड करने वाले लोग आपको ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के जरिए बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई ईमेल या मैसेज अजीब लगे तो उस पर क्लिक न करें। अननोन वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि अपना बैंक अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ध्यान से देखें। अगर आपको लिंक पर डाउट हो तो सीधे उस वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर जानकारी देखें। याद रखें, अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वह सच नहीं है। सेक्शन 5, स्टेइंग सेफ ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज करना चाहिए। आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है और आपकी जानकारी कौन एक्सेस कर सकता है। अननोन लोगों से दोस्ती न करें। साइबर अपराधी अक्सर नकली प्रोफाइल बनाते हैं ताकि वे लोगों को बेवकूफ बना सकें और उनकी जानकारी चुरा सकें। ध्यान रखें कि आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं। अपनी या अपने परिवार की लोकेशन जैसी प्राइवेट जानकारी शेयर करने से बचें। एक बार जब आप कुछ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो उसे हटाना मुश्किल हो सकता है और यह हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह सकता है। सेक्शन 6, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स फॉर अ सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो सेफ ब्राउजिंग की आदतें डालना जरूरी है। हमेशा एक सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का यूज करें, खासकर जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं। ध्यान दें कि वेबसाइट एड्रेस HTTPS से शुरू होता है, खासकर जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स या पासवर्ड्स एंटर कर रहे हों। HTTPS यह शो करता है कि वेबसाइट सिक्योर है और आपकी जानकारी इंक्रिप्टेड है। फिशिंग ईमेल्स और वेबसाइट से सावधान रहें। ये ईमेल्स और वेबसाइट्स अक्सर असली कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस की तरह दिखते हैं।
लेकिन ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको किसी ईमेल या वेबसाइट पर डाउट हो तो उस पर क्लिक न करें और सीधे उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट करें ताकि कंफर्म हो सके। अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपके डिवाइस को लेटेस्ट डेंजर्स से बचाने में हेल्प करते हैं। याद रखें कि ऑनलाइन सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ी सी सावधानी से हम खुद को और अपने डिजिटल जीवन को साइबर डेंजर से बचा सकते हैं। 9th है।